भाई मुझे सिर्फ एक चीज बता दो कि जितने भी वेब सीरीज होते हैं उसमें पुलिस वाले का रोल ऐसा क्यों होता है कि उसकी शादी टूट रही होती है, बच्चे से मनला नहीं हो रहा होता है और भाई साहब एनी टाइम डिप्रेशन में रहते हैं और डिप्रेशन के हालत में वो इतना अच्छा से केस सॉल्व कर लेते हैं। ये जो ट्रैक है ना बॉस, बहुत ज्यादा बोरिंग हो चुका है और बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो चुका है, तो इस चीज को पूरी तरह से इग्नोर मार देता हूँ मैं। सो बंदा हाजिर है और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ गांठ चैप्टर 1। तो भाई देखो, ये जियो सिनेमा पे रिलीज हुआ है। इसका जब ट्रेलर आया था तभी समझ में आ गया था कि ये कहानी किस बारे में है। दिल्ली में जो बुरारी कांड हुआ था उसी के ऊपर में ये कहानी है, जहां पे 11 लोग एक ही फैमिली के एक साथ फांसी लगाकर लटक जाते हैं। अब वो आत्महत्या था या मर्डर, इसी चीज के ऊपर में जो है ये पूरी कहानी बनाई गई है। लेकिन एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ, इसके अंदर में जो भी चीजें जोड़ी गई है वो पूरी तरह से फिक्शनल है, मतलब रियल इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो कांड तो जैसे सबको पता ही है, लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता देना चाहता हूँ कि अचानक से एक खबर मिलती है कि जमनापार एक फैमिली है और पूरी की पूरी फैमिली एक साथ फांसी पे लटक करके मर चुकी है। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस वालों को बुलाया जाता है, जिसमें एक एक्स पुलिस ऑफिसर रहते हैं जिसका रोल प्ले कर रहे हैं मानव विज। अब मानव विज आने के बाद में इसका इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं और उनके हिसाब से ये एक मर्डर रहता है, ना कि आत्महत्या। अब इसके अंदर में बहुत सारे एंगल्स दिखाए गए हैं। रियल इंसिडेंट में दिखाया जाता है कि जो भी लोग ऐसे किए हैं उसके पीछे में जो है एक बाबा का हाथ रहता है, जिन्होंने ये सजेस्ट किया था कि तुम्हें इस जिंदगी में कुछ नहीं मिल सकता, तुम जो है दूसरी जिंदगी की तैयारी कर लो और वहां पे जो है सब कुछ मंगलमय होगा। मतलब सीरियसली यार, तो ठीक है। अब इस चीज को जो है यहां पे ब्रेक किया जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसके पीछे में एक बहुत बड़ा कांड है, बहुत बड़ा साजिश है। अब वो क्या है, कैसा है, इसी चीज को जानने के लिए आपको टोटल 8 एपिसोड देखने होंगे क्योंकि जियो सिनेमा पे रिलीज हो चुका है। हर एपिसोड 40-42 मिनट का है, कुछ एपिसोड्स आपको आधे घंटे के भी मिल जाएंगे। और जिसको देखते समय मैं सच बताऊं तो मुझे बहुत लंबा लगा, मैं 3 दिन से सोया नहीं था और मुझे नींद आ नहीं रही थी। थैंक्स फॉर दिस सीरीज कि मुझे अच्छे से नींद आई, फुल साउंड में रखने के बाद भी। हाँ, फुल साउंड में रखने के बाद भी। तो भाई जहां पे मैं सो जा रहा था उसके बाद से उठ करके फिर से मुझे कंटिन्यू करना पड़ रहा था, तो आप समझ सकते हो कि इसकी डायरेक्शन कैसी है। लेकिन आपको इंटरेस्ट तो जगा जाती है फर्स्ट फ्रेम, फर्स्ट एपिसोड से, क्योंकि इसके अंदर में दिखाया जिस तरह से जाता है इन्वेस्टिगेशन को वो काफी इंटरेस्टिंग रहता है। और दिल्ली के पुलिस वाले को क्या ही कह सकते हैं, जो लोग कहते ना ठुल्ले, भाई इसके अंदर में सारे पुलिस वाले को वैसे ही दिखाया गया है कि मतलब कुछ सेंस ही नहीं है, बस आए हैं तो वो चौकीदार होता है ना, वॉचमैन, वैसा काम कर रहे हैं। पुलिस वाली कोई हरकत है ही नहीं भाई साहब में कि वो अपना दिमाग लगाए कि ये किसने किया होगा, क्या किया होगा, किस तरह से इसको एग्जीक्यूशन मिला होगा, कुछ नहीं। बस अब सर आत्मा को शांति मिले, ये सारी चीजें चल रही होती है। और इन सब के बीच में जो है दो जने ऐसे होते हैं जो सच्ची में इस केस को लेकर के बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। अब इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि मीडिया ट्रायल किस तरह से फोर्स करती है किसी केस को क्लोज करने में, मतलब केस को क्लोजर देने के लिए, भले से आपको कोई मिले या ना मिले, आप भले से उसको फ्रेम करके डाल दो, ये सारी चीज किस तरह से करने के लिए मजबूर हो जाती है पुलिस टीम, वो भी चीज दिखाई जाती है। सो ओवरऑल आपको बहुत सारे शेड्स देखने को मिलेंगे। अब अगर बात की जाए परफॉर्मेंस की, तो सभी ने फाड़ डाला है परफॉर्मेंस के नाम पे। हाँ भाई, एकदम जबरदस्त। खास करके तो इसमें पूरे तरह से हुक एंड बुक करके अगर आपको कोई रखेगा तो ये वही बोरिंग कैरेक्टर जिसको मानव विज ने निभाया है, और कैरेक्टर का नाम रहता है गदर सिंह। गदर भाई, ठीक है, गदर सिंह। और इसके अलावा जो है एक लड़की जो कि अपने परफॉर्मेंस के मामले में हर कंटेंट के अंदर में 100% देती है और वो पूरी तरह से काम भी करता है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मोनिका पवार की, जो कि जामतारा के अंदर में एक बहुत बड़ा मार्क सेट किया था, उनकी एक अलग पहचान बन गई थी। यहाँ पे वो एक ऐसे डॉक्टर का रोल प्ले कर रही है जो कि भाई बहुत कैलकुलेशंस के साथ में साइकोलॉजिकल चीजों को समझती है और कुछ चीजों से वो ऐसे ऐसे क्लू निकाल लेती है जिसको सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे और आपकी जो है उम्मीदें बन जाएगी। लेकिन बात वही होती है कि आपको 8 एपिसोड तक घसीटा जाता है और एंड में क्या मिलता है आपको, Part 2 का क्लिफहैंगर। जी हाँ, एंड में जाकर के वो जो मास्क खोला जाता है वो मेरे लिए भी झटकेदार रहता है और जिसको मैं जानने के लिए बहुत ज्यादा बेकरार हो गया हूँ। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप जाकर के जियो सिनेमा पे देख सकते हो। 8 एपिसोड है, रेडी रहना, गालियां भर भर करके हैं और बहुत ही धड़ाके से गाली दे दी जाती है। ऐसे वैसे सीन्स तो नहीं है लेकिन गालियां जो है वो बहुत ज्यादा लगता है। एक कैरेक्टर है जो कि घर के नीचे वाले हिस्से में रखा गया था, वो जब नॉर्मल भी हो जाती है तब भी मेरी रूह कांप रही होती है, पता नहीं क्यों इतना डर सा लगता है। तो इससे एक चीज तो समझ सकते हैं कि कैरेक्टर को बहुत ही डीप लिखा गया है और कैरेक्टर के ऊपर में जान फूंकी गई है राइटिंग द्वारा और परफॉर्मेंस द्वारा, साथ ही साथ बैकग्राउंड म्यूजिक द्वारा। भाई रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मैं किसकी बात कर रहा हूं। अगर आपने देखा है तो आप कमेंट सेक्शन पे जाकर के बताओ वो कैरेक्टर क्या था और क्या नहीं, पर स्पॉइलर कोई मत दे देना। सो दैट वाज माय वीडियो। अगर इसकी वर्डिक्ट की बात की जाए तो मैं इसको दूंगा 2.5 स्टार, 3 स्टार भी दे सकता था लेकिन नहीं, मुझे सुला गई, 2.5 स्टार। इसका अगर एंडिंग अच्छा होता है, एंडिंग अगर इसी सीजन में दे दिया होता तो भाई ठीक रहता, मैं 3 स्टार दे देता, लेकिन मैं 2.5 दूंगा आउट ऑफ 5। व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट। यहां तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।
स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।